Hey guys, करने वाले हैं वीज़ एंड आइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग इकॉनमी देख रहे हैं, लेकिन इकॉनमी के बाद भी बहुत सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक, सोशल इश्यूज़, तो वो सारे टॉपिक भी आप लोग देख सकते हो। तो आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट हम लोग ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ के बारे में देखे थे। आज हम लोग लेबर लॉज रिफॉर्म्स देखेंगे और इम्पैक्ट देखेंगे एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स जो कि ईयर 2018-19 के रिपोर्ट का है। तो ये दो टॉपिक अपने आप में ही बहुत लेंदी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। आई थिंक कि ये दो टॉपिक में ही हमारा टाइम निकल जाएगा, लेकिन अगर देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो नेक्स्ट टॉपिक भी मैं यहाँ पे कैरी ऑन कर दूंगी। ओके, तो लास्ट लेसन देखने के लिए और प्रीवियस जितने भी लेसन है, जितने भी मंथ के, अगर आप लोगों को वीजन आई एस करंट अफेयर्स देखना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ आपका एक PT 365 अपग्रेडेड क्लासरूम आपका एक मटेरियल आया है जिसमें कि मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 मंथ का जो है आपको प्रीलिम्स फैक्ट के लिए एक अलग से आपकी PDF लेसन चल रही है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ओके, साथ ही साथ मंथली जो है वो आपकी मैं पूरी कवर करूँगी, जितने भी टॉपिक्स छुटी हुई है सारी मैं कवर करके चलूँगी, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा पूरे हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे आप मेंस दे रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो। ओके, तो ये अलग से आप लोग देख सकते हो, उसको भी आप लोग देख सकते हो प्रीलिम्स 2020 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो बात करें लेबर लॉ रिफॉर्म्स, तो ये रिफॉर्म के बारे में क्यों बात किया जा रहा है, क्या हो गया ऐसा कि लेबर लॉ रिफॉर्म के बारे में बात करें। एक्चुअली ऐसी डिमांड तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है ये देख लेते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में है, उन्होंने टेम्प्ररी सस्पेंड कर दिया है ये ऑपरेशन, यानी कि कुछ जो लेबर लॉज है, कानून है, वो अपने स्टेट में जो ये जितने भी लेबर काम करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हो, उनको अलग तरीके का जो है ना, उनके लिए कानून होता है था, उनके लिए एक अलग तरीके का सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स होती थी। तो कुछ स्टेट्स जो क्या किए हैं ना कि वो अभी टेम्प्ररी पीरियड के लिए, क्योंकि जो COVID-19 को देखते हुए क्या हुआ है कि उन्होंने अपने स्टेट में इस तरीके का जो एक बेनिफिट दिया जाता था लेबर्स को, तो वो अपने यहाँ जो है टेम्प्ररी सस्पेंड कर दिए। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। पहले समझते हैं कि लेबर लॉस फ्रेमवर्क हमारे इंडिया में है कैसा। इससे भी पहले आपको समझना होगा कि हमारे संविधान में ये इंक्लूड है, 7th स्कीड्यूल है, जिसमें कि 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और यहाँ पे आपका जो है लेबर को रखा गया है कंकरेंट लिस्ट में। इट मीन्स कि बोथ, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है, दोनों यहाँ पर कानून बना सकते हैं अगर लेबर रिलेटेड कुछ इशूज़ निकल कर आता है। तो आज की डेट में आप देखोगे तो 44 ऐसे लेबर लॉज है जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और 100 से भी ज़्यादा आपको स्टेट गवर्नमेंट की देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके से लेबर इशूज़ को वो जो है अब इस कानून के तहत जो है एड्रेस करते हैं। अब देखते हैं कि लेबर लॉज जो कि अभी डिवाइड किया गया है उसको 4 कैटेगरीज में। तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें कि लेबर लॉज को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है इनका कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कि काम करने का जो क्या कंडीशन है, जिसमें कि फैक्ट्रीज एक्ट है, जितने लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है 1970 की। सेकेंड यहाँ पर आपका कैटेगरी है वेजेस एंड रेनमरेशन, यानी कि कितना उनको भत्ता और आय वगैरह दिया जाता है, जिसमें कि आपका कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आपका कानून है। तो सबसे पहला है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसको EPF फंड भी कहते हैं, 1952, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। फोर्थ यहाँ पे कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके अंदर कौन कौन से कानून है, तो ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो ये 4 तरीके से जो है ना कानून आपका डिवाइड किया गया है, 4 तरीके से जो है लेबर के लिए यहाँ पे कानून है, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि सेंटर में 44 है और स्टेट में जो है हर एक स्टेट को मिलाकर आपको 100 से भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो लेबर कानून हर एक स्टेट में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, और सेंटर के द्वारा जो यहाँ पे हिदायत दी जाती है, सेंटर के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो अलग है। तो क्या होता है ना कि समटाइम्स ये कॉपी हो जाता है, यानी कि इसको यहाँ पे आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल को डेवलप करने में हमारे इंडिया में जो है इतने सारे कानून है ना कि कुछ कुछ चीज़ें कॉपी हो जाती है और कुछ कुछ चीज़ें जो है ना समझ में नहीं आती है, प्रॉब्लम होती है। कुछ कुछ चीज़ें जो है अपनी स्टेट के जो कानून लेकर आते हैं वो अगर इसको इंप्लीमेंट करना चाहे तो सेंटर के कानून के साथ वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। साथ ही साथ लेबर लॉज जो है वो यहाँ पर सिर्फ 7 to 8% जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जितने वर्कर एम्प्लॉयड हैं, और वो कितना कॉस्ट होता है, तो 92 to 93% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स का होता है। तो इस कानून में आप लोग देख सकते हो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर कितना ज़्यादा इंक्लूड है, 92 to 93% तक है, लेकिन वही ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात करूँ तो ये सिर्फ यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनको 7 to 8% जो है इस लेबर कानून के द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया जाता है।
जाता है। तो यहाँ पे आप लोग आंकड़ा देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कहने का मतलब है कि वैसे सेक्टर्स जहाँ पे आपका टाइम डिफाइंड है कि आपको इतने ही घंटे काम करना है, आपकी वेजेस डिफाइंड है कि आप एक महीने में इतना काम करोगे तो आपको इतना पैसा जो है वो मिलना ही मिलना है, साथ ही आपको सोशल सिक्योरिटी भी पूरे भर भर की दी जाती है, और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग होते हैं उनके लिए हॉलीडे भी डिफाइंड होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा काम करते हैं उतना ज़्यादा कमाते हैं, इनके लिए कोई हॉलीडे नहीं होता, इनके लिए कोई वेजेस फिक्स नहीं होता है। जिस तरीके का काम करते हैं उस तरीके का इनको जो है पैसे दिए जाते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। अभी रिसेंट चेंजेस हम लोग देखेंगे कि कुछ स्टेट में जो है किस तरीके का चेंजेस किया गया। सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, फिर यूपी के भी बारे में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों स्टेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने जो है जो जितने भी लेबर आप लोग देखे हो कि माइग्रेंट लेबर जो है अपने स्टेट में वापस लौट गए, अपने घर में वापस लौट गए, तो उसको देखते हुए इस तरीके का चेंजेस देखा गया है। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में क्या है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको यहाँ पे कुछ ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो यहाँ पे लेबर लॉ के अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस दिया जाता था उनसे वो एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, तो इसमें जो है ना 1000 डेज़ के लिए इनको यहाँ से वंचित किया गया है। यानी कि जो ऑब्लिगेशन दिया जाता था, कुछ कमिटमेंट की जाती थी इस कानून के द्वारा कि उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको फिक्स्ड वेजेस दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर अभी ख़त्म कर दिया गया है, वो भी आगे आने वाले दिनों में, यानी कि 1000 डेज़ तक इसको कम्प्लीट कर दिया गया है। 1000 डेज़ तक इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। अब 1000 डेज़ आप लोग समझ रहे हो कितना होता है, एक साल में समझ जाइए कि 365 डेज़ होता है। इसी हिसाब से आप तीन साल आप समझ सकते हो कि लगभग जो है लमसम अराउंड आप समझ जाओ कि 3 साल के लिए इसको ख़त्म कर दिया गया है। जो न्यूली इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज़ है वो यहाँ पर उसको तो ज़रूरत ही नहीं है कि एनुअल रिटर्न वो फाइल करें। साथ ही जो एम्प्लॉयज़ है उनको यहाँ पर अलाउ किया गया है कि वो हायर और फायर भी वर्कर को कर सकते हैं एज़ पर द कन्वीनियंस, यानी कि अगर फैक्ट्रीज़ को लगता है कि उनको वर्कर्स की ज़रूरत है तो वो वर्कर्स को ले सकते हैं, अगर उनको लगता है कि इतने ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है तो वो वर्कर्स को निकाल भी सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन भी रख दिया गया है। साथ ही जो वर्किंग आवर है उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले वर्किंग आवर 8 आवर्स होते थे, 8 घंटे काम होते थे, बट अब जो यहाँ पे लेबर काम करेंगे वो 12 घंटे तक काम करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये सारी जो फैक्ट्रीज़ है ना उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो ऑपरेट तो होंगे लेकिन यहाँ पे सेफ्टी और हेल्थ नॉर्म्स के बिना होंगे। इट मीन्स आप लोग समझ सकते हो कि फैक्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए वही चीज़ें यहाँ पे नहीं दी जा रही है, लोगों की सेफ्टी और हेल्थ नॉर्म्स का किसी भी तरीके से ख्याल नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ ये तो ठीक है बात है, इसके साथ एक और बात है कि जितने भी न्यू फैक्ट्रीज़ यहाँ पर आपके आएंगे ना, यानी कि जो भी न्यू फैक्ट्रीज़ न्यू कारखाने स्टार्ट होंगे, तो उनको यहाँ पर फैक्ट्रीज़ एक्ट जो 1948 का कानून है उसके तहत से इसको आपका एग्जेम्प्ट किया गया, यानी कि छूट दिया गया है। इस तरीके के एक्ट कानून के तहत जो है ये सारे फैक्ट्रीज़ नहीं चलने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो इंस्पेक्शंस किया जाएगा लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा, और परमिट किया जाएगा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शंस है ना उसकी भी यहाँ पे कंडक्ट हो, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर ये चाहते हैं, अगर फैक्ट्रीज ऐसा चाहते हैं तो ये सारा काम है जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि टाइम है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी सिचुएशन हो, अच्छा बुरा सिचुएशन हो, लेकिन जो लेबर काम कर रहे हैं उनको तो इस तरीके का सेफ्टी देना चाहिए। सेफ्टी नहीं दिया जा रहा, हायर एंड फायर का यहाँ पे आपका प्रोविज़न रखा जा रहा है, और साथ ही साथ इनके ऊपर ही अत्याचार हो रहा है कि यहाँ पे पहले 8 घंटे काम करते थे तो 12 घंटे काम करना है। जब ओवर टाइम किया जाता है तो उनके लिए एक्स्ट्रा वेजेस दी जाती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का बात किया जाता है, बट यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं है। सेम आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा यूपी का। यूपी में क्या है ना कि उत्तर प्रदेश टेम्प्ररी यहाँ पर जो है एग्जेम्पशन रखा गया है इनमें कुछ सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 का, जिसमें कि फैक्ट्रीज़ को, बिजनेस को, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपका एग्जेम्प्ट रखा गया है। यानी कि ये जो कानून है लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020, तो इससे कुछ चीज़ों को जैसे फैक्ट्रीज़ हो गए, बिजनेस हो गए, तो ये सारी चीज़ों को जो है ना यहाँ पर आपका बाहर रखा गया है। सारे डिटेल्स जो एम्प्लॉयड वर्कर्स के होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर मेंटेन करना है, ऑनलाइन सारा मेंटेन करने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। और साथ ही यहाँ पे जो वर्कर्स काम करेंगे उनको मिनिमम वेजेस से ज़्यादा यहाँ पे पेड किया जाएगा, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही जो टाइम लिमिट है ना उसी के तर्ज पर, यानी कि जो भी कानून है उसमें जो टाइम लिमिट दिया गया है उसी के विदिन जो है मिनिमम वेजेस से, यानी कि जितना भी यहाँ पर मिनिमम वेजेस है उससे ज़्यादा पेड किया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है यूपी का, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति आप लोग देख सकते हो कि कितने बद से बदतर हो चुके हैं इन लेबर्स के लिए। इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है कि रिफॉर्म करने का, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो कि सारे स्टेट जो है अपने मनमानी कर रहे हैं, सारे स्टेट में
क्योंकि लेबर आपका करंट कंकरेंट लिस्ट में आता है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी वही हक है और सेंटर को भी हक है कि वो यहाँ पे कानून बनाए। लेकिन बात ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्शन निकल कर आता है कि यहाँ पे सेंट्रल का भी वही उसी टॉपिक पे कानून है और साथ ही साथ स्टेट का भी उसी टॉपिक पे कानून है, तो यहाँ पे जो प्रिवेल किया जाएगा वो ऑलवेज सेंटर का होगा, यानी कि सेंटर के कानून को ज़्यादा माना जाएगा एज़ कंपेरिजन टू स्टेट के कानून को। तो यहाँ पर ज़रूरत क्यों है कि हम लोग को रिफॉर्म करना है? रिफॉर्म करने का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो कोविड-19 से सारे इंडस्ट्रीज़ को, बिज़नेस को जो शॉक लगा है उससे ओवरकम हो सके। इंडस्ट्रियल और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं क्योंकि कोविड-19 के कारण, क्योंकि आप लोगों को पता है कि संपूर्ण लॉकडाउन हुआ है। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण सारी फैक्ट्री, सारे बिजनेसेस सब कुछ ठप हो गए, लोगों को घर लौटना पड़ा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इसके कोविड-19 से जो शॉक हुआ है उसको बेटर तरीके से ओवरकम कर सके। साथ ही यहाँ पर टेम्प्रेरी नेचर ऑफ सस्पेंशन है, यानी कि इस तरीके के जो कानून है वो टेम्प्रेरी नेचर है, कुछ ही समय के लिए है। साथ ही यहाँ पे इंटरप्राइसेस को भी अलाउ किया जाएगा कि वो यहाँ पे फाइनेंशियल वियबिलिटी को भी इम्प्रूव करें और एक सस्टेनेबल लेकर आ सके, वो भी पीरियड ऑफ टाइम में। सेकंड है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। जो यहाँ पे लेबर अपनी जगह लौट गए हैं, अपने स्वदेश, अपने घर लौट गए हैं, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए क्योंकि सारे लोग अपने काम को छोड़ कर गए हैं जहाँ पे भी वो काम करते थे। जैसे माइग्रेंट लेबर आप दिल्ली के, मुंबई के देखोगे और बहुत सारे जगह के, तो वो लोग बेसिकली जो है ना यूपी बिहार के ज़्यादा लेबर होते थे, तो वो लोग उस सारे जगह पर गए थे क्योंकि उनको वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता था, ज़्यादा अच्छा उनका लाइवलीहुड होता था, तो इसलिए वो वापस आ गए हैं। तो वापस आए हैं तो जहाँ पर भी वो रह रहे हैं उनके लिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है, यानी कि 27% देखने को मिला है रिसेंट वीक में, अगर हम लोग कोविड-19 की सिचुएशंस में देखें। तो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बढ़ गया है कि रूरल एरिया में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराना है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग बेस को भी डेवलप करना है। इंडिया में आप देखोगे कि कुछ कंपनीज़ को जो है ना यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता है और ये हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अब शिफ्ट हो सके कहाँ से, तो चाइना से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें और काफ़ी प्रोडक्ट हम लोग चाइना का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी कंपनीज़ जो चाइना की है वो हमें बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, बट अब ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पर अपने मैनुफैक्चरिंग सेक्टर्स को और ज़्यादा बूस्ट करें और हमारी जो इंडियन ब्रांड है, इंडियन कंपनी है, उसको हम लोग ज़्यादा एडमायर करें एज़ कंपेरिजन टू चाइना। तो इंडिया में आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एमएनसी वगैरह को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके, ज़्यादा यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। अगर हम लोग इंडिया के यहाँ पे देखें तो ये जो मूव है ना, इससे क्या होगा कि हमारे स्टेट में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ पाएगा और इससे रिफॉर्म्स आ पाएगा, और रिफॉर्म के लिए ये कॉम्पिटिशन बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्या है ना कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगी, वो भी फुल कैपेसिटी के साथ। मान लीजिए कि जैसे अभी मध्य प्रदेश क्या किए है कि अपने माइग्रेंट लेबर का और जो लेबर है ना उनकी यहाँ पे इस तरीके से जो देख रहे हो कि सारे कानून इनसे छीन लिया गया, इनको ना हेल्थ प्रोविजन दिया जा रहा है, ना यहाँ पे जितना ज़्यादा काम करा रहे हैं उस हिसाब का वेजेस दिया जा रहा है, ना इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है। तो इस तरीके का जो काम किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर झारखंड है, आपके जो है दूसरे स्टेट आप लोग देख सकते हो, तमिलनाडु है, केरल है, यहाँ के माइग्रेंट लेबर को या फिर यहाँ के अपने लेबर को जो है ना सारी तरीके की सुविधा दी जा रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ये सारे स्टेट का बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता जा रहा है, बूस्ट होते जा रहा है, यहाँ की लेबर की भी सिचुएशन बहुत अच्छी होती जा रही है। तो इस चीज़ को देख के कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को ये लगेगा कि नहीं, हम लोग भी अपने यहाँ के लेबर को अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी फैसिलिटी दे, उनको अच्छा खासा हेल्थ सिक्योरिटी दे, उनको अच्छा खासा ज़्यादा काम करा रहे तो ज़्यादा वेजेस से, जिससे कि दिल लगाकर जो है लेबर काम करेंगे तो उनके यहाँ की भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स अच्छी होने हो जाएगी, उनके यहाँ की भी जो भी ब्रांड वगैरह है वो अच्छी हो पाएगी। तो इससे क्या है ना कि मार्केट में एक कंपटीशन बना रहेगा, तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए इस तरीके का काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो पूरे फुल कैपेसिटी से हो पाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग अपने यहाँ पे जो है जो भी आप लोग बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप लोग इंडस्ट्री सेटअप किए हो, तो उसमें जितने भी लेबर यहाँ पर काम कर रहे हैं अगर उनको मन लायक काम दोगे, मन लायक पैसा दोगे, मन लायक उनको सिक्योरिटी दोगे, तो क्यों नहीं लेबर भी मन लगाकर वो लोग काम करेंगे, है कि नहीं? तो मन लगाकर जब काम करेंगे तो कम टाइम में भी जो है ना ज़्यादा आउटपुट निकलने की चांसेस होती है। चांसेस क्या, ये गारंटी होती है कि आप लोग अगर मन लगा के पढ़ते हो ना तो आप लोग आधे घंटे में भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे, लेकिन अगर मन नहीं रहेगा और किताब खोल के बैठे रहोगे तो 10 घंटे भी बैठ जाओगे ना लेकिन कुछ भी नहीं, सिंगल थिंग भी आप लोग नहीं सीख पाओगे। तो यही चीज़ है कि मन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मन लगने के लिए आपके लिए फेवरेबल कंडीशन होना ज़रूरी है, ठीक है? तो इससे पूरे फुल कैपेसिटी के साथ काम होता है। इश्यूज़ क्या क्या है ये तो ज़रूरी है कि इसलिए हम लोग को रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे इशूज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। सो वॉट आर दैट? तो यहाँ पर क्या है ना कि वर्कर्स के राइट के अगेंस्ट काम होता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर लेबर का राइट है, उनका हक है कि वो जितना काम करेंगे उनको उतना ही पैसा मिलेगा, वो अगर ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो ओवर टाइम पैसे मिलेंगे, साथ ही वो जो भी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं हर एक जगह
जगह पे फोर कैटेगरी में उनको जो है कानून की व्यवस्था दी गई है। तो वो फोर कैटेगरी में जो कानून की व्यवस्था दी गई है उनको पूरी तरीके से हर एक हाल में मिलना चाहिए। हर लोग अपने राइट्स के लिए, हक के लिए लड़ते हैं, तो फिर यहाँ पे वर्कर्स क्यों नहीं लड़ेंगे? लेकिन उनका काम क्या हो रहा है कि यहाँ पे वर्कर्स के राइट के अगेंस्ट में काम हो रहा है। जो वर्कर्स की राइट है, उनका जो हक है, उसको डायल्यूट किया जा रहा है और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और वर्कर्स इतने ज़्यादा जो है ये लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं, कि ये जो है ना कम पैसे में भी जो है ज़्यादा काम ज़्यादा टाइम तक काम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इनको अपना भी पेट पालना है, अपने घर परिवार का भी पेट पालना है, अपना ज़िंदगी चलाना है, तो ये सारे काम करते हैं। और इन इन मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो है ना यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक होते हैं वो सारा जो है इनको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि आज के डेट में जो काम किया जा रहा है वो वर्कर्स के राइट के अगेंस्ट काम किया जा रहा है। साथ ही साथ वर्कर्स के राइट के अगेंस्ट ही नहीं, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट भी काम किया जा रहा है। आप लोग देखोगे कि गवर्नमेंट जो है उनको मैंडेट किया गया है कि वो लेबर यूनियंस को कंसल्ट करें, वो भी चेंजेस में, जो यहाँ पे आपका लेबर लॉस में चेंजेस होना चाहिए। और लेबर लॉस यानी कि लेबर के लिए जो कानून आना चाहिए वो किसके बेसिस पे हो, तो ILO की यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे जो है हर एक जगह एक कानून बनना चाहिए। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन आप देखोगे इनके द्वारा जो है एक कंप्लेन लॉन्च किया गया है ILO में। और ये देखते हैं कि जो भी मूव्स यहाँ पर लिया जा रहा है वो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के वॉयलेशन के यहाँ पर किया जा रहा है, और राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग है। साथ ही साथ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स जो कि 8 आवर्स वर्किंग डे है, यहाँ पे आपका जो है ILO के हिसाब से ये कहा गया है कि यहाँ पे जो लेबर लोग काम करते हैं ना उनका एक दिन का वर्किंग आवर्स कितना है, तो 8 आवर्स है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश क्या कह रहे हैं कि 8 आवर्स से बढ़ा के उनको 12 घंटे काम करना, यानी कि ये जो ILO के कानून के हिसाब से जो है ये वायलेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका जो है ना राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये अपना खुद का जो एसोसिएशन बना रहे हैं वो भी इनके अगेंस्ट में। साथ ही कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर 8 घंटा काम किया जा रहा है तो उसके हिसाब से इनको पेड करना है, 12 घंटा काम किया जा रहा है तो उनके हिसाब से पेड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बार्गेन तो कहीं नहीं हो रहा है, 12 घंटा काम करना है लेकिन पेमेंट कितना दिया जाएगा, तो 8 घंटे का जो काम करे उतने ही पेमेंट दिया जाएगा। तो ये सारे जो काम किए जा रहे हैं ना ये इंटरनेशनल लॉस के जो कानून है उसके अगेंस्ट में काम किया जा रहा है। इसी में ILO के हिसाब से देखें तो उनके द्वारा एक्सप्रेस किया गया है डीप कंसर्न, वो भी लेबर लॉ अमेंडमेंट को लेकर। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि एक अच्छा खासा लेबर लॉ अमेंडमेंट आना चाहिए जिसमें कि सारी चीज़ें क्लियर हो। आर्टिकल 253 की बात करें जिसमें कि पार्लियामेंट को ये स्पेशल पावर दिया गया है कि वो यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करे, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए वो यहाँ पे कानून पास कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं और कानून पास कर सकते हैं। तो ये भी आर्टिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अलग से जो है 253 आर्टिकल्स है जिसमें कि पार्लियामेंट को ये हक है कि कोई भी इंटरनेशनल अगर एग्रीमेंट है उसको अगर इंप्लीमेंट करना है, जैसे ILO की जो भी यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस है उसको अपने कंट्री में अगर हम लोग को रेगुलेट करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट के पास ये हक है ना कि वो इसके लिए अपने हिसाब से अपने कंट्री में कानून बना सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे इशू है कि लिमिटेड इम्पैक्ट है, यानी कि जो भी यहाँ पे लेबर लॉ रिफॉर्म आ रहा है उसका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड है। और ये एविडेंस भी है यानी कि सबूत भी है कि यहाँ पे जो लेबर लॉज को अकेले जो रिलैक्स किया जा रहा है ना उससे एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं जनरेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वहाँ पर लेबर रिफॉर्म जो है वो आपका रिजल्ट नहीं हुआ, मतलब कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि जो आइलैंड कंट्रीज़ होते हैं, आइलैंड नहीं, जो आपके जो है कोस्टल कंट्रीज़, कोस्टल स्टेट होते हैं, हमारे यहाँ भी कोस्टल स्टेट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र है, गोवा है, और उसके बाद है कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर आपका उड़ीसा है, ठीक है, तो इतने वेस्ट बंगाल है, तो इतने स्टेट है हमारे यहाँ जो कि कोस्टल स्टेट है। तो ये क्या करते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, और उसमें क्या होता है ना कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें 90% से भी ज़्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए होती है, प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए होती है, और इसमें बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन से उसकी छूट दी जाती है कि आप लोग जो है ना बस यहाँ पे प्रोडक्शंस करो और उसको एक्सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि लेबर रिफॉर्म किया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो लेकिन लेबर रिफॉर्म जो इस तरीके का स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किया गया था, लेकिन इससे ये देखने को नहीं मिला ना कि यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रेज हो गया, यानी कि अगर हम लोग लेबर रिफॉर्म भी लेकर आ रहे हैं तो इससे ऐसा नहीं है ना कि आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। तो ये तो एविडेंस है, हम लोग देख चुके हैं। साथ ही एक यहाँ पे वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टडी किया गया, तो उनके द्वारा ये बताया गया है, 4 स्टेट पर स्टडी किया है जैसे राजस्थान, UP, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो लेबर लॉस में अमेंडमेंट किया जाता है ना ही ये सक्सीड हुआ है कि बिग इन्वेस्टमेंट को वो अट्रैक्ट कर सके, ना ही हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कंसेप्ट है उसको बूस्ट कर
पाया और ना ही जॉब क्रिएट कर पाया। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर हम लोग लेबर लॉस को रिफॉर्म करते तो इससे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो है बेटर ही देखने को मिलेगा। ना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है, ना ही यहाँ पर हमारा जॉब क्रिएशन हुआ है। फर्दर इंडिया की रैंक अगर आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में तो 58 रैंक में है, और ये चाइना के अगेंस्ट में आप देख सकते हो जिसकी रैंक 62 है इसी में, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। तो इससे क्या है कि कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट जो है ना इसकी कमी देखने को मिल रही है, और कमी देखने को मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि ये मेन फैक्टर्स है जिसके कारण इंडिया की जो है कॉम्पिटिटिवनेस है वो पुअर है। लेकिन यहाँ पे लिटिल एविडेंस भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो लेबर लॉस को ही अकेले जो यहाँ पे रिलैक्स किया जा रहा है, इससे जो है ना हम क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ेगा, स्पेशली वो कंपनीज जो कि यहाँ पे चाइना को छोड़कर आ गई है तो इंडिया में शायद इन्वेस्ट करेगी। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इशू है कि शैलो स्कोप देखने को मिला रिफॉर्म्स का, यानी कि ये जो रिफॉर्म्स है ना मेनली किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो लेबर पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि लेबर को यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी देना है, लेबर्स को यहाँ पे जो है अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे देने हैं, लेबर्स के हेल्थ की यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का जो है ना यहाँ पे आपका रिफॉर्म्स है, बेसिकली इस चीज़ पे रिफॉर्म आपका फोकस किया जा रहा है, ना कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जा रहा है। तो ये एक शैलो स्कोप कह सकते हैं, यानी कि एकदम छोटा और नैरो स्कोप है ये। एक्चुअल प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री में है ना वो यहाँ पे आपका किस चीज़ से, तो प्रोविजंस होना चाहिए ले ऑफ का, रिथ्रेंचमेंट का, क्लोजर का, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीमेंटेशन का, यानी कि यहाँ पे आपका मेनली जो काम होना चाहिए वो यहाँ पे इसमें ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हो जिसमें कि आपके जो भी लेबर हो ना उनकी हॉलिस्टिक यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, और साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी जनरेशन का प्रोविजन्स रह सके। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम है देखने को मिला। वे फॉरवर्ड में यही बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा बिजनेस इन्वायरमेंट को अनेबल करने के लिए प्रमोट करना है, ओवरऑल इंटरेस्ट होना चाहिए लेबर में। तो ओवरऑल कैसे होगा कि वेजेस पे भी ध्यान देना है, अगर हम लोग ज़्यादा काम करा रहे हैं तो उनको ज़्यादा पैसे ज़रूर देना है, और एम्प्लॉयमेंट पे तो ज़रूर फोकस करना है, जितने लोग माइग्रेंट लेबर अगर अपने घर पहुँच चुके हैं, अपने गाँव पहुँच चुके हैं, तो उनको वहाँ पर काम देने की व्यवस्था करनी है। सोशल सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर वीमेन काम कर रही है तो उनके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, हेल्थ और सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान रखना है, तो इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए। साथ ही एम्प्लॉयमेंट को जो इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे फोकस करना है, गवर्नमेंट को कुछ रिफॉर्म्स पे भी कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो आपकी अप्रेंटिस इकोसिस्टम है उसको डेवलप करना है, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम को डेवलप करना है, और ये कैसे डेवलप हो पाएगा, मनरेगा। मनरेगा सबसे अच्छी यहाँ पे बात बताई जाती है, क्योंकि मनरेगा में आपको 100 to 120 days का गारंटी यहाँ पे जॉब दिया जाता है इतने दिन का, और अनस्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे आपके जो घर है, गांव है, अगर उसमें कोई भी अनस्किल्ड वर्कर्स है, अगर वो काम करना चाहते हैं, उनकी एज 18 साल से ऊपर है, तो वो मनरेगा में रजिस्टर करा सकते हैं। एक बार अगर वो मनरेगा में रजिस्टर करा लिए तो चार पाँच दिन के बाद अगर उनको काम नहीं मिलता है तो उनको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड इन मनरेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो डेज है उसको बढ़ाना चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए, इट मीन्स कि यहाँ पे 100 days का जो गारंटी है मे बी इसको बढ़ा के 150 दिन करना चाहिए, 200 दिन करना चाहिए, तो लोगों के पास लंबे समय तक जॉब रहेगा, लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है इस तरीके का फिक्स्ड वेजेस मिल पाएगा। गवर्नमेंट को यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड लीगल फ्रेमवर्क लेकर आना चाहिए लेबर्स के लिए, और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन हो, यानी कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं, वर्कर किसे कहते हैं, एम्प्लॉय किसे कहते हैं। आज के डेट में आप देखोगे कि डिफरेंट कानून में डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, जिससे कि अगेन एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो एक कॉमन यहाँ पर डेफिनेशन होना चाहिए हमारे कंट्री में, और कोई भी कानून हो उसमें ये डेफिनेशंस जो है ना, अगर लेबर के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कानून में अगर आप लोग इंक्लूड कर रहे हो, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट में कर रहे हो या फिर आप लोग जो है EPFO में कर रहे हो, तो उसमें आपका जो है ना एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके के एक ही डेफिनेशन हो जो कि हर एक कानून में इसका इस्तेमाल हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि पहले भी हम लोग एक दो आर्टिकल डिस्कस किए थे जिसमें कि ये इशू अगेन निकल कर आया था कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं, वर्कर्स किसे कहते हैं, एम्प्लॉय किसे कहते हैं। तो ये अगेन जो है एक बिग इशू है जिसके लिए यहाँ पर एक डिफाइंड होना चाहिए, एक कॉमन जो है वो डेफिनेशन ज़रूर होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, बहुत अच्छी थी लेबर लॉस के बारे में। इसमें आपको डिटेल में पता चल गया कि लेबर लॉस किसे कहते हैं, यहाँ पे चार कैटेगरी में आपका लेबर लॉस जो है वो डिवाइडेड है। साथ ही हम लोग दो स्टेट का भी देख लिए कि कैसे वो अपने यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं, और किस तरीके से जो है लेबर लॉस रिफॉर्म लाने की क्या ज़रूरत है, इसलिए हम लोग देखें इंटरनेशनल लॉस कौन कौन से, इंटरनेशनल लेबर आपका जो है ILO है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी देखें, साथ ही साथ क्या क्या इशूज़ है ये भी हम लोग देखें, और वे फॉरवर्ड बहुत अच्छा यहाँ पर आपको बताया गया है। ओके,
सो कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल कि अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स के लिए जो यहाँ पे कौन सी ईयर का है, तो 2018-19 का रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट है इसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि एनर्जी एफिशिएंसी अगर मेजर्स के बारे में बात करें तो ये रिपोर्ट आपका किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, ये रिलीज़ किया गया है BEE, जिसे हम लोग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं। ओके, तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये एक आपकी जो है यहाँ पे बॉडी है जिसके द्वारा ये इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19 इसको आपका रिलीज़ किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे और भी रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इनके द्वारा हर एक साल जो है इस तरीके का स्टडी कंडक्ट किया जाता है कि कितना ज़्यादा जो है एक्चुअल में एनर्जी कंजप्शंस हुआ है 2018-19 में और एस्टिमेटेड एनर्जी कंजप्शंस के साथ, जिसमें कि आप करेंट एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स देखोगे तो उसको नहीं लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है मेनली इस चीज़ को देखा जाता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके का स्टडी करने का कि एक्सेस कर सके, यानी कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी जो स्कीम्स लाया जाता है, प्रोग्राम लाया जाता है कि कम से कम हमारे यहाँ बिजली की खपत हो, कंजप्शंस कम हो, तो उन सबका इम्पैक्ट क्या हुआ है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ कितना, तो टोटल एनर्जी कितना सेव हुआ है और कितना रिड्यूस हुआ है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन को कम करना है तो इसी को देखते हुए कितना ज़्यादा जो है एनर्जी यहाँ पर कम हुआ है और कितना ज़्यादा सेव हुआ है उसी को यहाँ पर देखने के लिए स्टडी कंडक्ट कराया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर देख लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। BEE, डैट इज़ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एक स्टैटटरी बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, और इसको सेटअप किया गया है कुछ प्रोविजंस लाके जो कि एक कानून है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसका मिशन यही है कि डेवलपिंग पॉलिसीज़ करनी है, स्ट्रैटेजी लेकर आना है, सेल्फ रेगुलेशंस पे ट्रस्ट करना है, मार्केट पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल होनी चाहिए, ओवरऑल फ्रेमवर्क होनी चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनर्जी जो इंटेंसिटी है इंडियन इकोनॉमी का उसको कम करना है। एनर्जी इंटेंसिटी अगर आप देखोगे तो इसको कैसे मेजर किया जाता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है पर यूनिट आपका आउटपुट और एक्टिविटी का, या फिर GDP का कितना आपका एनर्जी जो है रिक्वायर्ड है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया के एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स क्या क्या है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर एनर्जी एफिशिएंसी के इंपॉर्टेंस को अगर रियलाइज़ करें कि यहाँ पे हम लोग लो कार्बन जो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करें, तो इंडिया के द्वारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। ये कानून आपका जो है लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि कुछ पॉलिसीज़ रखा गया है और वो भी यहाँ पे सेटअप किया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, साथ ही साथ इनिशिएट किया गया था नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। साथ ही साथ अगर हम लोग BEE के साथ देखें तो कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल लेवल पे है और वो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी को, और वो अपने हिसाब से जो स्कीम्स वगैरह है उसको लॉन्च करके। तो ये कौन कौन सी स्कीम है, ये स्कीम्स जो है ना आपकी पूरी मेजर जो एनर्जी कंजप्शन सेक्टर्स है उसमें चलती है इंडिया में, जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, कमर्शियल हो गया, रेसिडेंशियल हो गया। इंडस्ट्रीज जगह पे भी आप देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, एनर्जी कंजप्शंस होते हैं। कमर्शियल में भी, यानी कि आप लोग जो देखते हो बिल्डिंग्स वगैरह होता है उसमें भी आपका इस्तेमाल होता है। रेजिडेंशियल, हम लोग जिस घर में रहते हैं यहाँ पे भी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो ये सारे जगह पे अलग अलग देखा जाता है। करेंटली अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे सेवरल एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स जो है चलाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं। लार्ज इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे परफॉर्मेंस अचीव और ट्रेड जो पैट स्कीम है इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इंडस्ट्री में बात करें यहाँ पे MSME सेक्टर में, तो BEE के द्वारा जो SME प्रोग्राम है वो यहाँ पे आप लोग देखोगे, साथ ही यहाँ पे जो फंडिंग दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, GEFP इंक्लूड है, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सॉरी ग्लोबल इकोनॉमिक फंड भी है, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। डोमेस्टिकली देखें तो लाइटिंग एंड अप्लाइंसेस जो है वो यहाँ पे उजाला है, और स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग यहाँ पे रखा गया, यानी कि स्टैंडर्ड और लेबलिंग कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग AC खरीदते हो, या फिर एयर कंडीशन खरीद रहे हो, या फिर गीज़र खरीद रहे हो, या फिर आप लोग रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, तो उसमें आप लोग को जो है ना इस तरीके का एक पिक बना हुआ होगा और उसमें आप लोग का जो है ना स्टार मार्क है, यानी कि 5 स्टार तो रहते ही है, और इसमें आपको दिखाया जाता है कि 5 स्टार्स में से जो है ना मतलब कि ये जो अप्लाइंसेस है इसमें कितने स्टार है। अगर 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, यानी कि ये एनर्जी को कम कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी रेफ्रिजरेटर आप खरीदोगे तो उसमें आपका स्टार लेबलिंग होता है, और इस स्टार लेबलिंग को देख के ही आपको खरीदना होता है कि कौन सी ऐसी आपकी यहाँ पे गैजेट प्रोडक्ट्स है जो कि यहाँ पे कम से कम आपकी एनर्जी को कंज्यूम करें। एयर कंडीशनर भी ले रहे हो तो मेक श्योर कि ये 5 स्टार का ही लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टार का लीजिए, क्योंकि एनर्जी बहुत कम
कम कंज्यूम होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कम इमिशन होता है, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो लाइटिंग और अप्लाइंसेज है ना वो यहाँ पे उजाला योजना आया है उसके तहत इस तरीके का रखा गया है। घर के लिए ही अगर आप बिल्डिंग की बात करें तो इसमें इको निवास संहिता है, रेजिडेंशियल लेबलिंग किया जाता है। कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे ECBC कमर्शियल बिल्डिंग है, BEE यहाँ पे भी स्टार रेटिंग प्रोग्राम है, और यहाँ पे बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप देखोगे तो स्टार रेटेड यहाँ पे आपका जो है पंप रखा गया है, एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, साथ ही स्टार रेटेड पंप है। ट्रांसपोर्ट की बात करें रोड ट्रांसपोर्ट में तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, फास्टर एडॉप्शन जिसको फेम कहते हैं, तो फेम का भी कौन सा यहाँ पे फेज चल रहा है तो फेम सेकेंड चल रहा है, ठीक है। 2015 में ये स्कीम लाया गया था जिसमें कि क्या है ना कि फास्टर एडॉप्शन करना है यहाँ पे मैनुफैक्चरिंग जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोग समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो इसमें आपका चार्जेस होगा यानी कि बैटरी वगैरह होंगे उससे चलेगा आपका, पेट्रोल डीजल की कमी, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो है आपका ग्रीन हाउस गैस इमीट होता है, कार्बन मोनोक्साइड हो गया, तो ये सारे गैस इमीट होते हैं जिससे कि हमारे एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है जिससे कि बहुत ज़्यादा आप लोग गर्मी फील कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज भी इससे रिस्पॉन्सिबल हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए हमारे यहाँ जो है ना फेम को यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है जिससे क्या है कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसको आप लोग अडॉप्ट करो, ठीक है। फोर व्हीलर होंगे जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे तो उसको अडॉप्ट करने के लिए फेम का स्कीम लाया गया है। साथ ही अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ लाइटनिंग एंड अप्लाइंसेस में देखें तो यहाँ पे म्यूनिसिपल डिमांड है, डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे आपका चलाया जा रहा है। तो हर एक सेक्टर्स में आप लोग देख सकते हो कि BEE के द्वारा एक अलग स्कीम और प्रोग्राम यहाँ पे लाया जा रहा है जिससे कि हर एक सेक्टर्स में जो है ना एनर्जी कंजप्शन को कम कर सके, ओके। वहीं अगर हम लोग देखें तो बात किया जा रहा है कि क्यों फोकस कर रहे हैं हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी में, तो ये लोग ये कॉमन बात तो आप लोग भी समझ सकते हो लेकिन यहाँ पे मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बताने वाली हूँ हर एक सेक्टर्स को लेकर कि क्यों हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला है क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाएगी, इवन रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती जाएगी, हर एक चीज़ की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो अगर हम लोग देखें कि इस तरीके से अगर पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, हमारे यहाँ अगर एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाएगी तो सारे लोग इस तरीके का एनर्जी अगर पूरी कंजप्शन करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जाएगी। और आपको पता है कि IPCC के रिपोर्ट के द्वारा जो है ये कहा गया है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल टेम्परेचर है इससे ज़्यादा हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है और हर एक कंट्री को यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है उसको कम करना है। तो हम लोग भी यहाँ पर कमिट किए हैं कि हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को कम करेंगे, तो उसी को ये देखते हुए तो इस तरीके से बढ़ता ही जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो इंडिया के जो एनर्जी सेक्टर है वो आज भी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से ही डोमिनेटेड है। फॉसिल फ्यूल कहने का मतलब है कि हम लोग कोल का इस्तेमाल, ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। साथ ही इंडिया के द्वारा अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए हम लोग 80% तक जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किस किस कंट्री से करते हैं तो तीन कंट्री है जो कि आपको गल्फ नेशंस की देखने को मिलेगी वेस्ट एशिया की, वो है यहाँ पर सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक। इससे हम लोग सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। तो ये जो नेसेसिटी है इससे क्या है ना कि दो प्राइम रीजंस के लिए हम लोग जो है एनर्जी को सेव कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, क्योंकि हम लोग की जो इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल के ऊपर वो इतना ज़्यादा है ना कि हमारी जो है कहीं ना कहीं इससे फिस्कल डिफिसिट बढ़ती है, कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशन वल्नरेबल हो, क्योंकि आप लोग देखते हो कि कोई भी अगर जियोपॉलिटिकल मुद्दा होता है तो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। जैसे आप लोग को याद होगा कि सऊदी अरेबिया की जो ऑयल प्रोडक्शन सेक्टर्स थे, ऑयल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज थी, उसमें कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक हो गया था जिसके कारण जो है सप्लाई और जो डिमांड है वो आपका जो है वो चेन ब्रेक हो गया था, जिसके कारण क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत महंगी हो गई थी। अगेन फिर US और ईरान का जो सेंक्शन है जिसके कारण US के द्वारा ईरान में सेंक्शन लगा दिया गया था, तो फिर US भी जो है इम्पोर्ट सॉरी ईरान भी जो है इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्रूड ऑयल, तो उसके कारण अगेन हमें प्रॉब्लम हो गया था। तो आप लोग देखते हो कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी जो इस तरीके की जो क्रूड ऑयल की जो इम्पोर्ट है ना वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर जाती है। सॉरी गाइस, अगर आप लोग को बिल्ली की आवाज़ आ रही है तो आई एम वेरी सॉरी, ये मेरी क्यूट सी पेट है। एक सेकेंड, तो आइए आगे। एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो वो मुझे देखती है, फिर उसे ऐसा लगता है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ, उससे क्यों नहीं बातें कर रही हूँ, तो इसलिए वो म्याओं म्याओं करना स्टार्ट कर देती है। ओके, सो नो इशू, चलिए आइए आगे बढ़ते। इसके बाद जो यहाँ पे बात हम लोग कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंसीज हमारी है तो इसके कारण जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ ही एडवर्स अफेक्टेड देखने को मिलता है, ट्रेड बैलेंस हमारा अफेक्ट हो जाता है, इनइक्विटी है एक्सेस में यानी कि जो कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती है एक्सेस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए,
तो ये भी एक प्रॉब्लम है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोग देखते हो कि हम लोग जो ऑयल वगैरह मंगाते हैं, इससे हमारे यहाँ कोल का जो प्रोडक्शन होता है, वो जितना हमारे यहाँ कोल का प्रोडक्शन होता है ना, उतने ही हम लोग बाहर से इम्पोर्ट भी करते हैं। ये भी बहुत आश्चर्य वाली बात है, लेकिन क्या करें, हम लोग को करना ही होता है क्योंकि हमारी नीड ही उतनी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें जिससे कि आप लोग देख सकते हो कि अनसर्टेनिटी होती है लॉन्ग टर्म अबंडेंस के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशनल चैलेंज होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग को एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस करना है। थर्ड है कि कॉस्ट बेनिफिट को लेकर। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे बढ़ते जा रही है, ट्रांसमिशन भी बढ़ते जा रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारी जो कंपनी है डिस्कॉम कंपनी है, जिसके थ्रू जो है ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आज के डेट में ये भी घाटे में चल रही है क्योंकि इस तरीके का इनको बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी की कॉस्ट अगर हम लोग देखें तो ये जितनी भी एनर्जी डिमांड, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको मीट करने के लिए उससे भी कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और न्यू पावर प्लांट है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी की कॉस्ट है ना, वो यहाँ पे कम है अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की अगर कॉस्ट देखें तो, और वो भी न्यू पावर प्लांट के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे कि क्यों फोकस करना है, क्योंकि इंडिया की क्लाइमेट कमिटमेंट है। इंडिया के अगर हम लोग अपनी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो इसका टारगेट है कि हम लोग को 33 से 35% कम करना है कार्बन इमिशन, वो भी 2030 तक। और कितने, किस तरीके के लेवल, यानी कि कब से देखा जाएगा, तो 2005 में देखा जाएगा। यानी कि 2005 में कितना इमिशन था उसके कंपेरिजन में हम लोग को 2030 तक जो है हमारी जो इमिशन है उसको 33 से 35% कम करना है। और इंडिया की यहाँ पे आप लोग देखते हो कि हम लोग शपथ ली है कि एनर्जी ट्रांजिशन का हम लोग को काम करना है, हम लोग को शिफ्ट करना है फॉसिल फ्यूल से, और हम लोग को फोकस करना है एनर्जी रिसोर्सेज को डिसेंट्रलाइज करने में। यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज है ना, वो हम लोग को सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल तक, स्टेट लेवल से हम लोग को लोकल लेवल तक, इस तरीके से पूरे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और डिसेंट्रलाइज भी करना है। साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी जो है ना, ये सेंट्रल है हमारे ट्रांजिशन प्रोसेस के लिए। यानी कि जो हम आज के डेट में चेंज चाह रहे हैं हमारे एनर्जी एफिशिएंट की जो प्रोसेस है उसमें, अगर हम लोग चेंज चाह रहे हैं तो सबसे हमारी जो बेसिक मुद्दा है वो यही है कि एनर्जी एफिशिएंट पे फोकस करना है, यानी कि कम से कम हमारे यहाँ जो है एनर्जी कंजप्शन हो सके। एक मेन फोकस आप देखोगे एनर्जी एफिशिएंसी का, तो ये ज़रूरी है जिसके थ्रू जो हेवी पॉल्यूशन है आज के डेट में, एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो ये भी कम हो पाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, हाँ स्पेशली एयर पॉल्यूशन है, तो एयर पॉल्यूशन आप लोग देखते हो कि इंडस्ट्री और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इससे सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। ट्रांजिशन यानी कि चेंज किस में कर रहे हैं, तो BS6 व्हीकल पर चेंज कर रहे हैं, और डायरेक्टली BS4 व्हीकल पर। BS4 व्हीकल पे जो आपकी कार्बन की इमिशन होती है, सल्फर की इमिशन होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशंस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम लोग BS6 में देखें तो इसके कंपैरिजन जो है ना, 10% कम सल्फर यहाँ पर आपका इमिट होता है, 10% कम यहाँ पर कार्बन इमिट हो पाता है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि ओवरऑल कहीं ना कहीं जो है आपका मतलब कि हाफ से भी जो कम है ना, वो यहाँ पर आपका। अब देखोगे कि BS4 के कंपैरिजन में BS6 व्हीकल्स में जो है इमिशंस बहुत कम होते हैं, जिससे कि ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस है वो यहाँ पे कम हो पाएगी। तो हम लोग BS5 में मूव नहीं किए, BS4 से हम लोग BS6 में आ चुके हैं। तो ये भी एक तरीके का एनर्जी ट्रांजिशंस का ही प्रोसेस देखिएगा। एनर्जी एफिशियंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन रखा गया है बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो NAPCC है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, अमरूट है, DDUGJY है, जिसमें कि आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, सौभाग्य स्कीम है, साथ ही नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन है, कुसुम स्कीम है। तो ये सारे ऐसे स्कीम लाए गए हैं ना जिसमें कि एनर्जी एफिशिएंसी की भी बात रखी गई है, जिससे क्या हो पाएगा कि हमारे पॉल्यूशन कम हो पाएगी, इन्हेंस हो पाएगा हमारा टोटल जो एनर्जी कंजप्शन है वो सस्टेनेबल और इफ़िशियंट मैनर में हमारा बढ़ पाएगा। ओवरऑल जो एनर्जी एफिशिएंसी अगर हम लोग देखें तो एक मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे एनर्जी को एट द एंड यूज़ में कंजर्व करती है, बट हमारे एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना उसके भी कॉस्ट को कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। तो इसीलिए एनर्जी एफिशिएंसी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव जो है मेजर्स बताया जा रहा है। अब इम्पैक्ट क्या है, बहुत सारे जो एनर्जी एफिशिएंसी इंटरवेंशंस इंडिया में हैं तो इससे इम्पैक्ट क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहला कि जो एडॉप्शन है एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स का और प्रोग्राम का, इससे क्या है कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स है वो यहाँ पे 9% तक बढ़ चुकी है, और वो भी नेट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस का। पैट स्कीम के बारे में देखें तो इसके द्वारा 57% जो टोटल एनर्जी सेविंग है वो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। वहीं SNL देखें, और साथ ही साथ जो यहाँ पे
उजाला है, इसमें 36% टोटल एनर्जी सेविंग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स देखें तो इसमें जो सेविंग है वो यहाँ पे आपका ट्रांसलेट हो रहा है, यानी कि 89,000 करोड़ इसकी वर्थ है और कंट्रीब्यूट हो रहा है जिससे कि 151 मिलियन टन तक जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो कहीं ना कहीं कम हो पा रही है। तो हम लोग जो इस तरीके का मेजर्स लेकर आ रहे हैं, हमारे कंट्री में इस तरीके की स्कीम्स हैं जिसके थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी को यहाँ पे और ज़्यादा बेटर तरीके से करना है, तो वो हम लोग कर पा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में डिफरेंट तरीके से आपका कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे एनर्जी सेक्टर में। ओके, सो कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि आज के डेट में जो करेंट स्कीम और जो प्रोग्राम है वो लार्जली सक्सेसफुल है, कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट तरीके से अचीव कर पाए, जैसे कि इंडस्ट्री में हो, बिल्डिंग में हो, बिल्डिंग कहने का मतलब चाहे वो डोमेस्टिक बिल्डिंग हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो, म्यूनिसिपल हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो हर जगह हम लोग इस तरीके की जो करेंट स्कीम और जो प्रोग्राम है उसको एकदम लार्ज स्पेस पर सक्सेसफुल कर पाए और जो फ्यूचर लैंडस्केप है कि वो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ और इलेक्ट्रॉनिक मेगा ट्रेंड को इस्तेमाल करके जो है हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा फ्यूचर भी ला पाए, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ है। स्मार्ट सिटीज़ जो मिशन था उसके अंदर क्या था कि सारी चीज़ें स्मार्ट होनी चाहिए, सारा कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी तरीके से मिलनी चाहिए, ई मोबिलिटी है, जो कि यहाँ पर हमारी जो एनर्जी सेक्टर्स की जो डायनेमिक है वो कहीं ना कहीं चेंज हो पाएगी। BEE के द्वारा अगर हम लोग देखें तो नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान भी डेवलप किया गया है और नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान कहते हैं इसको उन्नति। उन्नति स्टैंड्स फॉर अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ एक्टिविटीज़ है जिसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, तो ये सिर्फ यहाँ पर टेक्नोलॉजी को अवेल करने पर फोकस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी इंक्लूड की जाएगी, जैसे कि ई मोबिलिटी है, फ्यूल सेल व्हीकल है, साथ ही यहाँ पर रिन्यूएबल और स्टोरेज को इंटीग्रेट किया जाएगा, नेट ज़ीरो बिल्डिंग है, तो ये सारा काम भी किया जाएगा जिससे कि बहुत सारी जो सेक्टर्स हैं हमारे इकॉनमी में उसको हम लोग डीकार्बोनाइज कर सके। डीकार्बोनाइज कहने का मतलब है कि कार्बन इमिशंस को जो है हम लोग यहाँ पे पुट डाउन कर सके। सो यहाँ पे उन्नति के बारे में समझ लेते हैं, ये भी एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है जिसमें कि एनर्जी एफिशिएंसी जो इंडिया में है उसको एक्सेलरेट किया जाएगा। इसमें जो है कुछ प्लेन आपका फ्रेमवर्क रखा गया है, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से क्लियर लिंकेज एस्टैब्लिश करना है एनर्जी सप्लाई और डिमांड सिनेरियो के बीच में, एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ क्लियरली इसको जो है एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स के साथ डिलिनिएट करना है, वो भी रेस्पेक्टिव डिमांड सेक्टर्स में, और ये कब तक, तो स्टेट लेवल तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बड़ी स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम है BEE के द्वारा ये जो है आपका लॉन्च किया गया, जिसमें कि मेनली फोकस यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर हम लोग रखे, सारे सेक्टर्स को यहाँ पे आपका इंटीग्रेट करना है, साथ ही सप्लाई और डिमांड सिनेरियो को यहाँ पे और ज़्यादा बेटर करना है। ओके, साथ ही साथ उन्नति है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी देखें तो यहाँ पे फेवरेबल रेगुलेशंस है, यानी कि आप लोग देखो कि इस पॉलिसी में क्या क्या है, जिसमें कि कुछ टारगेट है, इंसेंटिव्स है और पेनल्टी भी है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात करें तो इसमें एग्रो प्रोजेक्ट भी आपका इंक्लूड किया गया है जो कि नेशनल क्लीन एनर्जी फंड के अंदर है। बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंसेंटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया है कि कैसे एनर्जी एफिशिएंसी हाउसेज को परचेज करना है। इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो PAT प्रोग्राम का जो स्कोप है उसको बढ़ाना है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रपोज हमारा फेम सेकेंड यहाँ पे जो फेस है उसको कैसे रोल आउट करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर में तो एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि हम लोग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें, यानी कि जितनी भी हमारी प्रोडक्शंस हो रही है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। सर्विसेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करना है, वो भी यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में। बिल्डिंग की अगर बात करें तो एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम लोग देखोगे कि स्टेट्स को ये ज़रूरी है कि वो अपने यहाँ की जो प्रोग्रेस है उसको अपडेट करे और एनर्जी एफिशिएंसी जो बिल्डिंग कोड है वो हर एक स्टेट में जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। इंडस्ट्री की बात करें तो एनर्जी मैनेजमेंट यहाँ पे जो सेल है उसको यहाँ पे आपका क्रिएट करना है। अवेबिलिटी ऑफ फाइनेंस की बात करें, फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका रिवॉल्विंग फंड होगा, रिस्क गारंटी होगा, ऑन बिलिंग फाइनेंस होगा, एनर्जी सेविंग आपकी इंश्योरेंस होगी और एनर्जी कंजर्वेशन बॉन्ड होगा, यानी कि एक तरीके का बॉन्ड इशू किया जाएगा जिसमें कि आपकी फ़ंड रेज की जाएगी और ये जो फंड यहाँ पे दिया जाएगा वो सारे ये जो स्कीम लाई गई है उन्नति उसमें ये आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। ओके, तो अदर इंपॉर्टेंट अगर हम कंपोनेंट देखें तो इसमें क्या क्या है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहली बात यही है क्योंकि आज के डेट में आप लोगों को पता है कि किसी भी सेक्टर्स में अगर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है, ट्रांजिशंस करने की ज़रूरत है, तो उसमें सबसे पहले जो इंक्लूड की जा रही है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है सबसे। और सेकेंड बात है कि स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट आपके सेक्टर्स के स्टेक होल्डर्स होनी चाहिए जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ को
बेटर मैनेज कर सके। और बात कर रहे हैं हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी की, तो इसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का एंगेजमेंट ज़रूरी है। डेटा कलेक्शन करना है, सही तरीके से अगर डेटा होता है तो ही हम लोग समझ पाते हैं कि हमारे कंट्री में एक्चुअली कितनी पॉपुलेशन है और कितनी पॉपुलेशन में से भी कि किस तरीके के लोग जो है, कितना एनर्जी की डिमांड है उनके ऊपर, हमारे यहाँ कितना एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एनर्जी को हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं, क्रूड ऑयल की क्या यहाँ पर खासियत है, क्रूड ऑयल को हम लोग किस तरीके से अल्टरनेट कर सकते हैं, क्रूड ऑयल पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है तो उसको कैसे हम लोग कम करें। तो ये सारी चीज़ों का डेटा एकदम अच्छा होना चाहिए। और डेटा कैसे यहाँ पर सही हो पाएगा, तो हम लोग एक नोडल एजेंसी सेटअप करना है जो कि मेनली डेटा पे फोकस करे, यानी कि हर एक सेक्टर्स की एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो है डेटा यहाँ पे एक्यूरेट लेकर आए। और एक स्टेट वाइज टारगेट भी सेटअप करना है जिससे कि सही तरीके से जो है ना, हर एक स्टेट का कितना यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है, डिमांड कितना है, उसके यहाँ सप्लाई कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ों की जो डेटा है वो एक जगह आपका इकट्ठा होना चाहिए। आइए इसी से रिलेटेड एक और इंडेक्स है, ये भी देख ही लेते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट है, तो दोनों आपका कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो ज़्यादा ध्यान में रहेगा। और ये जो इंडेक्स है, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये इंडेक्स आपका रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो इस इंडेक्स के बारे में पहले समझने का कोशिश कीजिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अभी हम लोग देख रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, ट्रांजिशन करना होगा, यानी कि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उनसे हम लोग को चेंज करना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि एनर्जी ट्रांजिशन जो इंडेक्स है ये एक फैक्ट बेस्ड रैंकिंग है जिसमें कि पॉलिसी मेकर्स को, बिजनेस को यहाँ पर अनेबल किया जाता है कि वो यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से एनर्जी को ट्रांजिशन कर सकें। यहाँ पर टोटल आप स्कोर देखोगे 40 इंडिकेटर्स में दिया जाता है, 115 कंट्रीज़ को काउंट किया जाता है, इनकी स्पीड देखा जाता है, डायरेक्शन देखा जाता है एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए, और कितना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट का कितना अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। एक इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशंस अगर हम लोग देखें तो कैसे कह सकते हैं कि कोई भी एनर्जी अगर ट्रांजिट हो रही है तो उसमें इफेक्टिवनेस है। कहने का मतलब है कि टाइमली ट्रांजिशंस होना चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, अफोर्डेबल हो, ऐसी एनर्जी हो कि हर कोई इसको कंज्यूम कर सके, सिक्योर एनर्जी सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हमारी जो ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड चैलेंजेस है उसकी सॉल्यूशंस हम लोग लेकर आए, बहुत सारी जो बिजनेसेस है उनकी वैल्यू क्रिएट हो पाए, सोसाइटी की वैल्यू क्रिएट हो पाए बिना किसी एनर्जी ट्रायंगल के बैलेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एनर्जी ट्रांजिशंस इंडेक्स फ्रेमवर्क है जिसमें कि आपका पहला है कि सिस्टम परफॉर्मेंस इंपरेटिव है, तो यहाँ पर एनर्जी ट्रायंगल इसको कहा जा रहा है। एनर्जी ट्रायंगल किस तीन चीज़ों से मिलकर बना है, सबसे पहला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट और ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जितना ज़्यादा करना है उतना ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत है। सेकंड है कि एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, कितना एनर्जी का एक्सेस हो पा रहा है और सिक्योरिटी कितना ज़्यादा है। एनर्जी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये नहीं कि हम लोग जो है एनर्जी के पीछे इतना पड़ गए कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिए, नो, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी हम लोग को यहाँ पर मेनटेन करना है। सो दिस इज़ नोन एज एनर्जी ट्राइंगल, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग ट्रांजिशंस रेडीनेस देखें जिसमें कि कुछ डायमेंशन है, तो कैसे ये डायमेंशन से ये देख लेते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे कैपिटल और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रेगुलेशंस और पॉलिटिकल कमिटमेंट हो, इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट हो, साथ ही साथ यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन हो, एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है जो कि इसके अंदर है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे बात की जा रहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पार्ट है, यानी कि फॉस्चरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव का ही पार्ट है। और यहाँ पर जो है ना आपका ये जो फ्रेमवर्क है इसमें दो पार्ट है, पहला है कि करंट एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस है और दूसरा है कि अनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द एनर्जी ट्रांजिशंस है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, तो ये पहला है क्या, इसमें आप लोग देखोगे कि इसका एम है कि जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस का जो स्पीड है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छी खासी पॉलिसी को अडॉप्ट करके, कॉर्पोरेट का डिसीजंस होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट जो कॉपरेशंस है, कोलेबोरेशंस है वो और बढ़ना चाहिए जिससे कि ये जो ट्रांजिशंस है वो सिक्योर हो सके, सस्टेनेबल हो सके, अफोर्डेबल हो सके, इंक्लूसिव हो सके आगे आने वाले एनर्जी सिस्टम के लिए। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी है जिसमें कि हम लोग एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को इस्टेब्लिश करें, वो भी सारे स्टेक होल्डर्स ग्रुप में, और वो भी इंट स्टेट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशंस नेसेसरी यहाँ पे इंपरेटिव हो, मार्केट और पॉलिसी अनेबल हो, और यहाँ पे जो रिजल्ट हो वो ह्यूमन को इम्पैक्ट करे। तो लास्टली जो यहाँ पे काम किया जाना चाहिए वो ह्यूमन बींग को ही यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये सारा काम करना चाहिए। तो ये तो पहले आप लोग देख लिए, और यहाँ पे कुछ हम लोग देख लिए कि अनेबलिंग जो इन्वायरमेंट फॉर एनर्जी ट्रांजिशंस, तो ये भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे आपका पार्ट है।
अब चैलेंजेस देखते हैं कि COVID-19 के कारण क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला है कि जो थर्ड यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। एनर्जी डिमांड क्यों ख़त्म हो गया है? क्योंकि क्रूड ऑयल हम लोग कम मंगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्रूड ऑयल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, सारे लोग अपने घर पर है, पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद है, तो क्या ज़रूरत है यहाँ पर एनर्जी की। साथ ही आप लोग देखोगे कि इंडस्ट्री वगैरह भी बंद है, तो एनर्जी का कंजप्शन बहुत कम हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड ऑयल प्राइस वोलेटाइल देखने को मिला। अभी आप लोग देख रहे हो कि जो लॉकडाउन के बाद जो है, जब पूरी तरीके से डिमांड कम हो गई, तो प्राइस जो है ना उसकी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और प्राइस जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चल गई थी। डिले और स्टॉल्ड इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट है। अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिल रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट आप देखोगे तो एनर्जी सेक्टर वर्कर्स के लिए तो वो अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कब से पहले के ट्रैक में आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बताई जा रही है। की फाइंडिंग क्या है 2020 की बात कर लेते हैं कि इस बार जो रिपोर्ट है इसमें क्या क्या पता किया गया है। सबसे पहले अगर रैंकिंग में फर्स्ट रैंक देखें तो स्वीडन है, सेकंड स्विट्जरलैंड है, थर्ड यहाँ पे फिनलैंड है। इंडिया का रैंक 74 है और चाइना 78 है। मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे उनकी वैरी करी है, यानी कि कितना वो प्रोग्रेस किए हैं थ्री डायमेंशन में एनर्जी ट्राइंगल को लेकर, तो ये वैरी कर रहा है। गैप कहाँ है? तो गैप है टॉप परफॉर्मर और जो रेस्ट ऑफ द यहाँ पे कंट्रीज़ है उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। कुछ हाईलाइट्स किया गया है कि ट्रांसफॉर्मेटिव की ज़रूरत है, ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस लाने की ज़रूरत है, जिससे कि एक नेक्स्ट वेव आप सब्सटेंशियल जो गेन होना चाहिए एडवांस इकोनॉमी के लिए, उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक ज़रूरत है कि हम लोग अच्छा खासा सॉल्यूशंस लेकर आए। ठीक है, तो ये सारी फाइंडिंग्स है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है सुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करूँगी कि रेस्ट ऑफ द जो आर्टिकल्स है, 11-12 आर्टिकल्स है ना, 8-9-10 3-4 आर्टिकल्स और बचे हुए, उसको मैं जल्दी से ही एक और लेसन लाऊंगी, उसमें इकॉनमी कंप्लीट कर दूंगी। ओके, क्योंकि मैक्सिमम आपकी कंप्लीट हो गई है, तो बाकी न्यूज़ इन शॉर्ट जो है उसको भी मैं एक दो दिन में कंप्लीट कर दूंगी। तो ये आपका जो PDF है ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। साथ ही साथ अपने दोस्तों या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हो, शेयर करोगे तभी तो हमारे जो रिसर्च पॉइंट की जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ेंगे, फैमिलीज हमारी और बढ़ पाएगी। तो इस तरीके से आप लोग भी हेल्प कीजिए थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए इतना हेल्प करती हूँ, आप लोग बस मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प कर लीजिए। साथ ही अगर फिर भी डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।